हेलो फ्रेंड्स, दोबारा मैं आपके पास आया हूँ आज एक निफ्टी बैंक निफ्टी की एनालिसिस लेकर। लेकिन आपको याद करा दूं कि आपको जो मेरा ये जो चैनल है इसको सब्सक्राइब करना है और बेल बटन भी दबाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का जो मेरी बात है, स्टार्ट करते हैं उसको। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम ये निफ्टी को देख लेते हैं। यहां पर ये जो निफ्टी है, बेसिकली ये जो थर्सडे को जो मार्केट क्लोज हुई थी, तो थर्सडे को मार्केट क्लोज हुई थी तो उसका ये मैंने निफ्टी लगाया है। तो अब यहां पर जरा निफ्टी की एक वीआईपी एनालिसिस कर लेते हैं। वीआईपी एनालिसिस का फ्रेंड्स मतलब ये है कि वॉल्यूम इंडिकेटर एंड प्राइस एक्शन इसका देख लेते हैं। तो यहां पर इसकी वॉल्यूम तो एक्चुअली नजर नहीं अभी आ रही है इसके अंदर charting.com में। तो बहरहाल आप देख लीजिए इसका जो ये जो इंडिकेटर्स हैं, इंडिकेटर्स में अगर आप ये देखिए तो ये जो मूविंग एवरेजेस हैं 10 और 15 की, दोनों का मूव, ये जो स्पेशली जो 10 की मूविंग एवरेज है इसका मुंह तो ऊपर की तरफ खुला हुआ है। और ये जो आरएसआई है ये भी बहुत खूबसूरत जगह पे खड़ा हुआ है 47.64 पे। और जो ये मैग्डी है, मैग्डी भी ऊपर है और बहुत शानदार ये ऊपर जाने का इशारा कर रहा है। फ्रेंड्स आप देख लीजिए यहां पर जो है ना एक ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना है। ये एक शोल्डर है, ये एक शोल्डर है और ये एक हेड है। और इसकी जो नेकलाइन है ये करीब करीब 8,800 है, मतलब 8,000 से लेके 8,800 तक। इसका मतलब ये है कि 600 पॉइंट की इसने जो है मतलब नेकलाइन दी है। तो अगर 8,800 में 600 अगर हम जोड़ दें तो ये जो है 9,400 तक जा सकता है, इससे पहले कि हम इसको फर्दर रिव्यू करें। तो फ्रेंड्स बस मैं आपको यही बोलना चाहता हूं कि अभी फिलहाल तो ऐसा लग रहा है कि अगर कुछ न्यूज खराब नहीं आएगी तो जब ये मंडे को मार्केट खुलेगी मतलब जब ये 13 तारीख को जब सुबह मार्केट खुलेगी तो इसको ऊपर ही जाना चाहिए। और वैसे भी मैं आपको एक चीज और बता दूं, अभी जहां तक ये कोरोना का इश्यू है तो जो है ये मार्केट रॉक बॉटम पे लगता है पहुंच गई है। क्योंकि यहां भी देखिए बार बार आके इसने यहां पर एक डबल बॉटम टाइप मारा है, यहां भी डबल बॉटम टाइप मारा है। तो लगता नहीं है कि मार्केट को गिरना चाहिए, फिर भी मार्केट तो मार्केट है, कुछ भी हो सकता है। तो ये जहां तक इसका सवाल है निफ्टी का, तो निफ्टी के अंदर तो मतलब जो लाइन चार्ट में तो यही दिखा रहा है कि यहां पर इसका जो है एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न है जो बड़ा इसको जो है 9,400 तक लेकर जा सकता है। और इंडिकेटर्स भी इसके बहुत अच्छे हैं। और यही फ्रेंड्स निफ्टी का है। ये देखिए यहां पर इसने जो है क्रॉस के ऊपर जो है इसने एक यहां पर एक डोजी मारा है और डोजी के बाद फिर गैप अप से इसकी ओपनिंग हुई है। तो अगर ये 9,400 तक पहुंच जाए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, अगर मंडे को जो कि 13 तारीख है, ठीक है। तो बाकी इंडिकेटर्स हम इसके वो जो है डिस्कस कर ही चुके हैं। तो जो निफ्टी है वो हमको थम्स अप दे रहा है। अब ये देख लेते हैं फ्रेंड्स, ये जो है ये बैंक निफ्टी है। ये यहां पर ये देखिए बैंक निफ्टी है, मैंने एक साल का चार्ट इसमें लगाया हुआ है। यहां भी बैंक निफ्टी में देखिए तो इसने जो है ये जो एक तो ये इसने यहां पर जो है एक डबल बॉटम मारा है। आप ये देखिए यहां पर इसने जो है एक डबल बॉटम मारा है, नंबर वन। और दूसरा ये है कि ये एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बहुत क्लासिकल दिया है, एक शोल्डर दूसरा शोल्डर और हेड, ठीक है। तो ये 17,000 से लेकर और ये 18,000 तक, ये करीब 17,500 से ये करीब 19,000 तक जा रहा है 1,500 पॉइंट का। तो 1,500 पॉइंट भी यहां से जाएगा तो करीब करीब समझ लीजिए 20-21,000 तक ये आराम से जा सकता है, ठीक है। और अगर इसके इंडिकेटर्स को देखें तो इंडिकेटर्स भी यहां पर बहुत अच्छा दे रहा है 41.28। और ये जो इसका जो मैग्डी है, मैग्डी भी इशारा यही कर रहा है कि ये ऊपर जाएगा। हालांकि इसके अंदर ऐसा लग रहा है कि यहां पर इसको थोड़ी सी रेजिस्टेंस आएगी, कोई बात नहीं, अगर ये इसको क्रॉस करेगा तो फिर इसकी जो है ऊपर की रफ्तार जो है चालू हो जाएगी। फ्रेंड्स हमको देखिए सबसे बड़ी बात है हमको घबराना नहीं है इसको देख के कि ये ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा। उसका रीजन ये है कि जितना इम्पोर्टेंट सही टाइम पे बाई करना है उससे कहीं इम्पोर्टेंट सही टाइम पे सेल करना है। चलिए इसको हम जो है अगला जो मेरा स्टॉक है उसके अंदर हम देख लेते हैं। तो ये निफ्टी का मैंने लाइन चार्ट लगाया हुआ है, ये देखिए यहां पर जो है, सॉरी बैंक निफ्टी का, ये बैंक निफ्टी है, देखिए सॉरी निफ्टी का ही है ये। तो निफ्टी तो खैर हमने ऑलरेडी एक कर लिया है तो मैं इसको निकाल देता हूं। फ्रेंड्स अब हम ये मारुति का देख लेते हैं। देखिए मारुति के अंदर जो ये है चार्ट है, अगर आप ये देख लीजिए कि जिन लोगों ने जो है यहां पर इसको बेचा है, जो इसका ये पॉइंट है यहां पर, दैट मीन 7200 के बाद ये ऊपर गया ही नहीं है और ये गिरता चला गया है। तो सवाल ये है कि इसका जो सेलिंग है दैट इज मोर इम्पोर्टेंट एट द राइट टाइम देन बाइंग,
ठीक है, पहले इसको देख लेते हैं, फिर एक मिनट इसको हम फ्रेंड्स डिस्कस भी कर लेते हैं। ये देखिए, इसने यहां पर एक डबल बॉटम मारा है और यहां पर इसने वी शेप्ड एक रिकवरी दी है, जिसकी वजह से एक इसका शोल्डर नहीं आया है। फिलहाल जो है ये थर्सडे को 9 तारीख को 5320 के ऊपर ये बंद हुआ था। तो अब अगला जो इसका जो रेजिस्टेंस है वो करीब करीब समझ लीजिए कि ये 5500 या 5600 के आसपास है। ये सब मैंने रेजिस्टेंसेस इसके लिखे हुए हैं जो कि शो किए हुए हैं रेड वाले, जो कि एक के बाद एक जो है इसको क्रॉस करना पड़ेगा, ठीक है। और इसकी वॉल्यूम भी देखिए, वॉल्यूम भी इसकी हरी वाली देखिए, बड़ी टॉप की इसकी वॉल्यूम थी। तो अगर इसकी वॉल्यूम इतनी अच्छी है और साथ के अंदर जो ये जो इसके जो इंडिकेटर्स हैं वो भी इसको जो है बहुत थम्सअप दे रहे हैं, तो मेरे लिए तो ये जो है ना ये एकदम जो है थम्सअप ही हो गया है। और इसको मैं ना वाइल्ड कार्ड एंट्री बोल रहा हूँ। ये वाइल्ड कार्ड एंट्री इसलिए है क्योंकि ये जो फोर व्हीलर मार्केट है मारुति सुजुकी, उसका ये राजा है, इसको कोई चेंज नहीं कर सकता, ठीक है। और इसीलिए क्या आज ये आपको इतने सस्ते रेट के ऊपर मिल रहा है, आप जो है शेयर मार्केट में जो क्रॉसेज हैं उनके साथ रहिए और ये एक साल में आराम से डबल दुगना ढाई गुना पैसा ये आराम से कमा के आपको दे सकता है, ठीक है। अब इसका जरा जो है हम देख लेते हैं फ्रेंड्स, इसका जो कैंडलस्टिक चार्ट है वो क्या कह रहे हैं, इसको जरा मैं अपडेट कर देता हूं। कैंडलस्टिक चार्ट में देखिए, मेरे को लोग बोलते हैं कि साहब ये जो या जैसे मैं भी बोलता हूं हमेशा कि जो ये जो क्रॉस के बाद जो कैंडल है ये बड़ी लंबी लगनी चाहिए। देखिए कैंडल जो है ये बहुत लंबी लगी है और अब जो है मुझे ऐसे ही लग रहा है कि ये 5600 700 800 जो है ना इवेंचुअली क्रॉस करती जाएगी। और कोई बड़ी बात नहीं है कि ये जब तक इसके रिजल्ट आएंगे तब तक ये 6200 से भी ये ऊपर हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो एक स्पाइडरमैन की तरह से चढ़ने वाली बात है। तो मैं तो इसको जो है जो 13 तारीख का जब मार्केट खुलेगी तो फ्रेंड्स मैं तो इसको बाई कर ही लूंगा। और लेकिन मैं आपसे भी बोलूंगा कि हालांकि ये वाइल्ड कार्ड एंट्री है, इस टाइम जो है जो हाल है कंट्री के उसके अंदर बहुत फेवरेबल नहीं है, फिर भी फ्रेंड्स एक बात जरूर है कि मारुति जो है, अगर मारुति नहीं खरीदा तो फिर क्या खरीदा। जैसे मैंने कल अपना वीडियो 196 दिया था, उसमें मैंने बोला था अगर HDFC ग्रुप नहीं खरीदा तो क्या खरीदा आपने। इसीलिए मैं बोलता हूं कि मारुति अभी राइट टाइम है, भी इसका जो है ठीक से क्रॉस भी लगा नहीं है, तो आप जो है मारुति को बाय कर लीजिए। और अगर थोड़ा कम रेट में आप जो बाय करना है अभी आप थोड़ा बाय कर लीजिए, डोंट बाय द फुल क्वांटिटी। यू नो आप जो है मतलब अगर आपको 10 खरीदने हैं तो 5 लीजिए, 5 खरीदने हैं तो 2 लीजिए, 2 खरीदने हैं तो 1 लीजिए, ठीक है। लेकिन अभी आप कम से कम इसकी आधी पौनी क्वांटिटी जो है 75% जो है इसमें इन्वेस्ट जरूर कर दीजिए, ऐसा ना हो कि जो बस है ना वो मिस हो जाए। क्योंकि जो मारुति है ये ऐसा स्टॉक है जो कि बहुत ही फास्ट एंड कंसिस्टेंट है, नंबर वन। दूसरी चीज है कि जो शेयर मार्केट है वो होप पे चलती है, इसमें थोड़ा सा रिस्क जरूर रहता है, ठीक है। तो वो रिस्क लेना भी बहुत जरूरी है वरना आपका पैसा भी नहीं बनेगा। तो मेरे हिसाब से जो मारुति है फ्रेंड्स, इस मारुति को जरूर खरीदना चाहिए। मैं एक बार आपसे दोबारा बोलता हूँ फ्रेंड्स कि मेरा जो चैनल है आप प्लीज मेरे इस चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको तभी जो है मतलब आप मेरे पे कमेंट भी कर पाएंगे और बेल बटन दबा दीजिए जो फ्यूचर नोटिफिकेशन के लिए, ठीक है। तो फ्रेंड्स बस मैं आपको यही बोलता हूँ, थैंक यू वेरी मच, मेरे साथ रहिए। और ये मैंने आपको निफ्टी बैंक निफ्टी और मारुति तीनों में मेरा थम्सअप है और आप जो है भरपूर पैसा कमाइए। थैंक यू वेरी मच।